विजय ते श्री कल्याण राय प्रभु षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेशलाल जी महाराज श्री की कृपा से एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी महोदय श्री एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट में आज हम मगज की सामग्री बनाना देखेंगे। ये नागरी विभाग की सामग्री है और जो दूधघर धरते हैं वो भी ये सामग्री अवश्य रूप से प्रभु को धर सकते हैं। ये सामग्री बहुत सारे उत्सव में तो आती है और नित्य में भी हम बंटा जी में भी ये भोग में धर सकते हैं, तो बहुत सरलता से बन जाती सामग्री है। तो देखते हैं हम इसकी बनाने की विधि। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने आधा कप जितना घी लिया है और उसके सामने हम अंदाज से एक कप जितना दरदरा बेसन लेंगे। जो नॉर्मल बारीक बेसन आता है वो नहीं लेना है, उसकी बजाय हमें दरदरा बेसन लेना है। वेट वाइज देखें तो 150 ग्राम घी है और 250 ग्राम जितना बेसन है। घी अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम उसमें बेसन पधराएंगे। नागरी विभाग की कोई भी जब हम सामग्री सिद्ध करते हैं तभी ये बात की हमें सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं भी जल का स्पर्श सामग्री को नहीं होना चाहिए। जो पात्र हम ले जिसमें हम सामग्री सिद्ध करने वाले हैं या सामग्री सिद्ध हो जाने के बाद डिब्बे में जो हम भरते हैं और भोग धरने के पात्र, ये सभी सूखे होने चाहिए। जल का स्पर्श रहेगा तो ये सामग्री अनसकड़ी हो जाएगी। तो घी गर्म हो गया तो अब हम इसमें बेसन बदराएंगे। इसे मीडियम धीमी आंच पर हमें डार्क गुलाबी रंग जैसा हो तब तक भूनना है। आप देख सकते हो रंग बढ़िया सा गहरा हो गया है और आंच हमने मीडियम धीमी ही रखी है। आंच हमें धीमी रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर थोड़ी भी तेज़ आंच पे हम इसे भूनेंगे तो सामग्री सिद्ध तो हो जाएगी लेकिन वो कच्ची रह जाएगी। जब हम महाप्रसाद लेंगे तब हमें महसूस होगा कि ये जो आटा है वो बिल्कुल भी सिका नहीं है और कच्चापन है, इसलिए इसे धीमी आंच पर भूनना बहुत ही आवश्यक है। तो आप रंग देख सकते हैं कि गहरा गुलाबी रंग हो गया है। तो अब हम फ्लेम बंद करेंगे। अब कढ़ाई में इसे हमें 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना है, नहीं तो जो कढ़ाई गर्म है तो नीचे से आटा बैठ जाएगा और जले हुए आटे की जो खुशबू है वो आएगी, इसलिए हमें इसे चलाते रहना है और फिर 20-25 मिनट बाद इसमें हमें बूरा मिलाना है। अपना जो बेसन है लगभग ठंडा हो गया है, जो कढ़ाई है वो अभी भी गर्म है, हम स्पर्श करें तो गर्म हम महसूस कर सके, उतनी कढ़ाई गर्म होनी आवश्यक है क्योंकि तो ही हमारे जो लड्डू है वो बराबर से नंग इसके बंध पाएंगे। कई वैष्णव कहते हैं कि हम मगध के लड्डू जब बनाते हैं तभी नंग बंध नहीं पा रहे हैं, बहुत ढीले रह जाते हैं, डिब्बे में पसर जाते हैं, तो ये सब इसलिए होता है कि हम पूरा ठंडा होने के बाद बुरा पधराते हैं। तो हमें पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए, अंदाज से थोड़ा गर्म हो, कढ़ाई को हम स्पर्श करें तो गर्म महसूस हो तब तक इसे ठंडा होने देना है। तो अब हम इसमें अंदाज से 200 ग्राम जितना बूरा पधराएंगे। साथ में हम इलायची भी पधरा देंगे। आप चाहो तो बरास भी पधरा सकते हो। आप देख सकते हो जो अपना जो मगध का जो घोल मिश्रण है वो बढ़िया सा सूखा हो गया है। अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। बादाम की कतरन से हम इसका श्रृंगार करेंगे। तो इस तरह से इसके हमने नंग बांध लिए हैं
और ये ठंडे हो जाए, फिर इसे हमें डिब्बे में भरने हैं। और ये सामग्री आप कहीं प्रदेश में जा रहे हो ट्रैवलिंग में, तभी आप इसे संग पधरा के जा सकते हो। तो ये बहुत दिनों तक बिगड़ती नहीं है, अंदाज से आप 20-25 दिन भी इसे आप रख सकते हो। तो इसी प्रकार की अन्य सामग्री के वीडियोज़ आपको देखने हो तो ज़रूर से आप पुष्टि टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी वीडियोज़ आ रहे हैं, तो नई सामग्री के वीडियो के साथ अब हम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।